हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस एमसीक्यूज ऑफ द चैप्टर द फन दे हैड। ये आपका फर्स्ट चैप्टर है 9th क्लास का एंड द राइटर इज इसाक एसिमोव। थोड़ी सी इसकी समरी करते हैं ताकि चैप्टर आपको आसानी से समझ में आ जाए। इस चैप्टर में जो है फ्यूचर के बारे में बात की गई है, यानी कि ये जो साल है और अब कौन सा चल रहा है 2021, कितने साल आगे की बात हो जाएगी ये, यानी कि 136 ईयर्स आगे, अब के बाद, अब से इतने साल आगे की बात है ये। इसका मतलब चीजें जो है बहुत ज्यादा बदल जाएंगी। इस चैप्टर में जो है एक मैकेनिकल टीचर के बारे में बात की गई है। जैसे कि अब लॉकडाउन चल रहा है, आप लोग कैसे पढ़ते हो, मोबाइल पे पढ़ते हो या अपने कंप्यूटर पे पढ़ते हो। आगे हो सकता है ऐसा समय आ जाए जब सारे ही बच्चे आप अपने घर में पढ़े, कोई भी स्कूल ना जाए, मतलब स्कूल कोई जाए ही ना। तब अगर ऐसे टाइम में किसी बच्चे को एक किताब मिल जाए स्कूल के बारे में, क्योंकि उस टाइम 136 साल तक तो कोई जिंदा ही नहीं रहेगा, कोई बताएगा भी नहीं कि उन्हें स्कूल कैसे होंगे, दादा दादी से वो सुनेंगे, जैसे हम पुराने टाइम की बातें जो है अपने दादा दादी से सुनते हैं। ऐसे ही जो टॉमी है और मार्गी है, ये फ्यूचर के स्टूडेंट्स है, यानी कि ये 2157 में ये दो बच्चे हैं जो कि नेबर हैं। और इसमें जो है मार्गी क्या है, मेन कैरेक्टर है। ये जो मार्गी है ये 11 साल की बच्ची है, ये मेन कैरेक्टर है इस चैप्टर में। टॉमी को इस चैप्टर में क्या है, किताब मिलती है जिसको देख के वो क्या हो जाते हैं, शॉक हो जाते हैं कि भाई किताब भी कोई चीज होती है। और वो इसको देख के सरप्राइज क्यों हो जाते हैं, क्योंकि आजकल किताब में क्या है, वो हम उस पेज को जब भी निकालेंगे वही अक्सर उसी जगह पर मिलते हैं। लेकिन अगर हम मोबाइल पे कोई किताब पढ़ते हैं तो उसके अक्सर क्या होते हैं, आगे पीछे इधर उधर हम उसको स्क्रीन को कर सकते हैं। तो ये किताब को देख के इसीलिए हैरान हो जाते हैं। बाकी इसकी जो समरी है वो हम एमसीक्यूज के साथ साथ करेंगे। तो विच वर्ल्ड डज द स्टोरी टेक द रीडर्स टू, ये जो स्टोरी है द फन दे हैड, ये पढ़ने वाले को कौन से संसार में लेके जाती है, फ्यूचर वर्ल्ड में, पास्ट वर्ल्ड में, प्रेजेंट वर्ल्ड में, फ्यूचर वर्ल्ड वेयर कंप्यूटर विल प्ले मेजर रोल। ये जो है फ्यूचर वर्ल्ड में लेके जाते हैं, और कौन से फ्यूचर वर्ल्ड में, जहां कंप्यूटर जो है सारे काम करेगा, वहां ये जो है मुख्य भूमिका निभाएगा। सेकंड क्वेश्चन इज ऑन विच डेट डिड मार्गी मेक एन एंट्री इन हर डायरी अबाउट स्कूल, कौन सी तारीख को मार्गी जो है, मार्गी बताया था मैंने मेन कैरेक्टर है, वो अपनी डायरी में एंट्री करती है स्कूल के बारे में। तो डेट कौन सी हो, 2156, 70th में 2157, 70th में 2158, 70th में 2159। अभी भी बताया था ये स्टोरी किसके बारे में, 2157। तो 17 मई 2157 में मार्गी जो है डायरी लिखते हैं, और उसमें क्या लिखते हैं कि भाई मैंने आज जो है स्कूल के बारे में या एक किताब के बारे में देखा। हु फाउंड ए रियल बुक, रियल बुक जो है, रियल बुक जो हम आजकल पढ़ते हैं किताब, वो किताब किसे मिली, टोमी को मिली वो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड मार्गी राइट अबाउट इन हर डायरी, मार्गी ने डायरी में क्या किसके बारे में लिखा, ए रियल बुक के बारे में, ए रियल टीचर के बारे में, रियल स्कूल के बारे में, ए मैकेनिकल टीचर के बारे में। उसने रियल बुक के बारे में लिखा, और रियल बुक किसके ऊपर थी, स्कूल के ऊपर थी। तो दोनों ऑप्शन हो जाए तो यह आ जाएगा रियल बुक अबाउट ए रियल स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु टोल्ड मार्गी वंस अबाउट रियल बुक्स, किसने बताया था मार्गी को एक बार रियल बुक्स के बारे में, हर फादर ने, टॉमी ने, द मैकेनिकल टीचर ने, हर ग्रैंडफादर ने। तो एक बार उसके दादाजी ने बताया था कि भाई हमारे टाइम में जो स्टोरी थी वो किताब पर लिखी हुई होती थी, ये मार्गी को किसने बताया था, हर ग्रैंडफादर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ मार्गीज मदर, मार्गी की माँ का क्या नाम है, हिलेरी है, मिसिस जॉन है, मिसिस वीना है, मिसिस लॉयजल है। मार्गी की मदर का नाम मिसिस जॉन्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड मार्गी हेट स्लॉट मोस्ट, मार्गी जो है स्लॉट से सबसे ज्यादा नफरत क्यों करती है, ड्यू टू हर टीचर, ड्यू टू हर मदर, बिकॉज सी हैड टू पुट होम वर्क एंड टेस्ट पेपर्स इन इट, इट इज बिग टू हैंडल, बिकॉज सी हैड टू पुट होम वर्क एंड टेस्ट पेपर्स इन इट, इसीलिए मार्गी स्लॉट से नफरत करती है। अब हेट जो है इस चैप्टर में दो बार आया है, एक बार मार्गी किससे हेट करती है, स्कूल से हेट करती है, ये भी आया हुआ है। ये ऑप्शन अगर हो तो एक बार मार्गी के बारे में बताया कि मार्गी स्कूल से नफरत करती है, और दूसरी बार बताया मार्गी जो है किससे हेट करती है, स्लॉट से हेट करती है। स्लॉट से क्यों करती है, क्योंकि वो जो उसका कंप्यूटर है, जो टीचर है, उसमें स्लॉट जो पार्ट है उसके अंदर उसे अपना होमवर्क, और किसी भी बच्चे को होमवर्क करना अच्छा नहीं लगता,
तो इसीलिए वो इससे नफरत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड टॉमी फाइंड द रियल बुक। टॉमी को ये जो रियल बुक मिली थी वो कहाँ मिली? इन द एटिक, इन द स्कूल, इन ए शॉप, इन ए लाइब्रेरी। इन द एटिक, एटिक होता है घर के ऊपर जो हमारा बरसाती कह लो या घर के जो सीढ़ियां होती है, सीढ़ियों के ऊपर जो कमरा सा होता है उसे हम एटिक कहते हैं। तो उसे अपने छत के ऊपर कमरे में जो है टॉमी को एक रियल बुक मिलती है और जिसके बारे में मार्गी अपनी डायरी में एंट्री करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज मार्गी स्कॉर्नफुल अबाउट। मार्गी किससे नफरत करती है? द प्रिंटेड बुक से, द स्कूल से, टॉमी से, ईमेल से। अभी भी बताया था मार्गी जो है स्कूल से भी नफरत करती है और अपने स्लोट सेक्शन से भी नफरत करती है, तो स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज मार्गीज मैकेनिकल टीचर गिविंग हर। मार्गी का जो मैकेनिकल टीचर है वो उसे क्या दे रहा है? टेस्ट इन मैथमेटिक्स, टेस्ट इन ज्योग्राफी, ए साउंड बीटिंग, गुड मार्क्स। टेस्ट इन ज्योग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मार्गीज मदर कॉल्ड द काउंटी इंस्पेक्टर टू। मार्गी की मदर जो है काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती, किस लिए बुलाती है मार्गी की मदर? मार्गी की मदर का क्या नाम था? मिसेज जॉन्स। वो काउंटी इंस्पेक्टर को क्यों बुलाती हैं? टीच मार्गी, गिव हर गुड मार्क्स, टेक हर अदर स्कूल, सेट द मैकेनिकल टीचर राइट। टू सेट द मैकेनिकल टीचर राइट, क्योंकि मार्गी जो है अपने टेस्ट में बहुत बुरे नंबर लेके आ रही है, तो मार्गी की मदर कहती है कि भाई हो सकता है उसका टीचर जो उसे अच्छे से नहीं पढ़ा रहा हो, तो टीचर को ठीक करने के लिए, क्योंकि मार्गी का टीचर क्या है? मशीन है, मशीन जो है खराब हो सकती है, तो इसके टीचर जो है खराब हो चुके हैं, यानी कि इसके टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे, तो हो सकता है कि भाई इसके टीचर या मैकेनिकल जो मशीन है वो खराब हो गया, तो इसीलिए वो किसको बुलाते हैं? काउंटी इंस्पेक्टर को चेक करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज ए राउंड लिटिल मैन। इस चैप्टर में जो राउंड लिटिल मैन का जिक्र आता वो कौन है? द काउंटी इंस्पेक्टर है, द मैकेनिकल टीचर है, द रियल टीचर है, टॉमी है। द काउंटी इंस्पेक्टर, काउंटी इंस्पेक्टर कौन है? जो उसकी मशीन को ठीक करने के लिए आया है। किसकी? मार्गे की। मार्गे की मशीन को ठीक करने के लिए जो आया है वो कौन है? काउंटी इंस्पेक्टर। और मशीन का मतलब क्या है? उसका मैकेनिकल टीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड मार्गी फीड हर होमवर्क इन द मैकेनिकल टीचर। मार्गी जो है अपना होमवर्क मैकेनिकल टीचर में कैसे फीड करती है? इन ए पंच कोड में, इन रिटर्न पेपर्स, बाय स्पीकिंग नन ऑफ दिस, इन ए पंच कोड। ये उसकी लैंग्वेज है। इस पंच कोड के माध्यम से वो अपना होमवर्क क्या करती है? मशीन में फीड करती है, मैकेनिकल टीचर को देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मार्गी वाज डूइंग वर्स एंड वर्स इन विच सब्जेक्ट। मार्गी बहुत बुरा प्रदर्शन, मतलब बहुत बुरे नंबर आ रहे थे उसके, किस सब्जेक्ट में आ रहे थे? मैथमेटिक्स में, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, इंग्लिश में। ज्योग्राफी में, ज्योग्राफी में मार्गी के टेस्ट में बहुत कम नंबर आ रहे थे, इसीलिए उसकी मदर जो है किसको बुलाते हैं? काउंटी इंस्पेक्टर को। इसको बुलाते हैं काउंटी इंस्पेक्टर को। वो काउंटी इंस्पेक्टर क्या करते हैं? इसके मैकेनिकल टीचर को ठीक करके जाते हैं, क्योंकि मैकेनिकल टीचर जो है कौन है? इसका एक रोबोट है, और उसको जो है ये क्या करके जाते हैं? ये मार्गी कितने साल की है? जैसे 11 साल की है, तो वो इसको 11 साल की बच्ची के लेवल पर करके जाते हैं इस चैप्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी क्या है? हेवनली वर्ल्ड है, इमेजिनरी वर्ल्ड है, रियलिटी क्रिएटेड बाय कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, नन। रियलिटी क्रिएटेड बाय कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, उसे हम कहते हैं वर्चुअल रियलिटी। व्हाट इज ए वर्चुअल क्लासरूम। जहां भी वर्चुअल का जिक्र आ जाए उसका मतलब है कंप्यूटर से रिलेटेड या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। क्लास आउटसाइड क्लासरूम, क्लास इन द गार्डन, क्लास इन द फील्ड, वेयर लर्निंग इज डन थ्रू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड इंटरनेट। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, वर्चुअल क्लासरूम, जहां पर लर्निंग जो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और इंटरनेट के माध्यम से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। स्टोरी का मेन कैरेक्टर कौन है? पेरेंट्स है, चिल्ड्रन है, मार्गी है, टॉमी है। तो मेन कैरेक्टर स्टोरी का मार्गी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ ओल्ड इज मार्गी। मार्गी कितने साल की है? 10 ईयर्स ओल्ड है, 12 ईयर्स ओल्ड है, 11 ईयर्स है, 13। मार्गी 11 ईयर्स ओल्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ईयर हैज द स्टोरी बीन सेट इन। अब ये दो तीन बार आ चुका है, ये जो स्टोरी है कौन से साल के बारे में है? 2057, 1957, 2151, 2257, ये है 2157 के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु आर मार्गी एंड टॉमी। मार्गी एंड टॉमी कौन है? कजन्स है, फ्रेंड्स है, ब्रदर, सिस्टर, नेबर्स है, ये नेबर्स है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ ओल्ड इज टोमी, टोमी कितने साल का है, 10 ईयर्स है, 13 ईयर्स है, 15 ईयर्स है, 12 ईयर, टोमी जो है 13 ईयर्स ओल्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड टोमी फाइंड, टोमी को क्या मिलता है, एन ओल्ड बुक विद येलो क्रिंकी पेजेस, ए येलो पेजेस बुक, ए ब्रांड न्यू बुक, ए डायरी। इसको एक पुरानी किताब मिलती है, एन ओल्ड बुक विद येलो क्रिंकी पेजेस, किसको मिलती है, ये टोमी को मिलती है। कहाँ मिलती है, एटिक में मिलती है, यानी कि ऊपर वाले कमरे में मिलती है। इसको ये किसके पास, किसके पास लेके जाता है, मार्गी के पास लेके जाता है, कौन, टोमी, किताब टोमी को मिलती है, किसके पास लेके जाता है, मार्गी के पास। और ये किताब किसके बारे में है, ये किताब स्कूल के बारे में है, स्कूल, क्योंकि इनका स्कूल अलग है और किताब में स्कूल के बारे में जो बता रखा है वो अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज स्ट्रेंज अबाउट द बुक फॉर मार्गी, इट्स टाइटल, इट्स पेजेस, इट्स स्टिल वर्ड्स प्रिंटेड ऑन द पेज, इट्स कलर्स। तो मार्गी को वो जो किताब है वो अजीब क्यों लगती है, क्योंकि इसके ऊपर जो शब्द है वो ऐसे ही है, जैसे कंप्यूटर पे क्या करते हैं, हमारी जो ये वीडियो चल रही है इसमें भी अक्सर आगे पीछे चले जाते हैं, ये क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। लेकिन जो किताब मार्गी ने देखी उसमें क्या थे, वर्ड्स ऐसे ही थे, प्रिंटेड पेज पे सेम स्थान पर, यूं के यूं, कितने बार ही पेज को पलट के देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज टीचिंग द स्टूडेंट्स इन मॉडर्न एरा, मॉडर्न एरा में बच्चों को कौन पढ़ाता है, ए टीचर, पेरेंट्स, कंप्यूटर, ए मैकेनिकल रोबोट टीचर। इसमें एक मैकेनिकल रोबोट टीचर है जो बच्चों को पढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ए टेलीबुक, टेलीबुक क्या होती है, एन ई बुक होती है, इलेक्ट्रॉनिक बुक होती है, बुक स्टोर्ड इन ए कंप्यूटर, ऑल, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑल, इन सब को हम क्या कहते हैं, टेलीबुक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वॉज मार्गी स्कूल, मार्गी का स्कूल कहाँ पर है, इन ए विलेज, इन ए सिटी आउटस्किर्ट, इन हर ओन हाउस, इन ए रूम इन हर हाउस, वेयर ए कंप्यूटर वॉज सेटअप। भाई ये जो स्टोरी है ये है 2157 के बारे में, जहां पर बच्चों के स्कूल क्या हो जाएंगे, उनके घर में ही हो जाएंगे, और बच्चे अकेले अकेले पढ़ेंगे, मतलब क्योंकि घर में है तो उसके घर में अकेले अकेले ही पढ़ेंगे, जैसे आजकल हम अकेले अकेले पढ़ रहे हैं। तो मार्गी का स्कूल कहाँ पर है, उसके कमरे के साथ में एक कमरा है जिसमें उसका कंप्यूटर है और निश्चित समय पर वो अपनी क्लास अटेंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट सब्जेक्ट्स डिड मार्गी एंड टोमी लर्न, मार्गी और टोमी कौन से सब्जेक्ट पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स है, ज्योग्राफी है, साइंस है, और ये सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं। वेयर डिड टोमी एंड मार्गी रीड वेरियस बुक, कहाँ पर पढ़ते हैं वो किताबें, इन द लाइब्रेरी, इन द स्कूल, ऑन कंप्यूटर स्क्रीन, ये बच्चे दोनों के दोनों किताबें कहाँ पढ़ते हैं, ऑन कंप्यूटर स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वेंट टू स्कूल, स्कूल कौन गए, मार्गी गए, टोमी गए, टीचर्स गए, मार्गी एंड टोमीज एंसेस्टर्स। ये स्कूल जो है कौन से स्कूल के बारे में है, ओल्ड स्कूल, ओल्ड स्कूल में कौन गए थे, मार्गी एंड टोमी के एंसेस्टर्स, यानी कि उनके पूर्वज गए थे, क्योंकि मार्गे और टॉमी तो कैसे स्कूल में जा रहे हैं, उनके घर में ही स्कूल है जिसमें वो जाते हैं। हु वाज द रेगुलर टीचर हु टॉट द लेसन्स, रेगुलर टीचर कौन था जो उनको लेसन्स देता है, ह्यूमन टीचर है, कंप्यूटर टीचर है, हु टीचेस मैकेनिकल रोबोट टीचर, हु टीचेस मार्गे एंड टॉमी। इनका रेगुलर टीचर कौन है, ए मैकेनिकल रोबोट है, किसका, मार्गे एंड टॉमी का, जो उनको पढ़ाता है। Why did Margie's mother call the county inspector? मार्गी की मदर जो है काउंटी इंस्पेक्टर को क्यों बुलाती है? To repair a leakage, to talk to Margie, to talk to Tommy, to check the fault in Margie's teacher in the geography section. To check the fault in Margie's teacher in the geography section. What did the county inspector do to help Margie? County inspector क्या करता है मार्गी की सहायता करने के लिए? He reset the teacher to Margie's level. He changed the module, changed the teacher, changed the syllabus. वो क्या करता है, जो मार्गी का टीचर है वो मार्गी के लेवल पर सेट कर देता है ताकि वो उसके लेवल के क्वेश्चंस पूछे, क्योंकि मार्गी क्या है इस टेस्ट में बहुत पिछड़ी हुई, इसे समझ नहीं आ रहा है कुछ भी, इसके बहुत कम से कम नंबर आ रहे हैं, लेकिन ये जो काउंटी इंस्पेक्टर है ये क्या करता है, इसके टीचर को इसके लेवल पे, इसके सब्जेक्ट पे, इसकी क्लास के अनुसार इसको रिसेट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेक्शन ऑफ विच सब्जेक्ट वॉज कम्प्लीटली डिलीटेड फ्रॉम टॉमीज कंप्यूटर, एक बार टॉमी के कंप्यूटर से भी जो है एक सब्जेक्ट डिलीट हो गया था, वो कौन सा था, इंग्लिश, हिस्ट्री, सोशल स्टडीज, ज्योग्राफी। टॉमी के सेक्शन से जो है हिस्ट्री सब्जेक्ट डिलीट हो गया था, और मार्गी किसमें परेशानी महसूस कर रही थी, डिफिकल्टी ज्योग्राफी में, लेकिन टॉमी के कंप्यूटर से कौन सा सेक्शन डिलीट हो गया था, हिस्ट्री। हाउ मच टाइम वॉज टेकन टू रिपेयर टॉमीज टीचर, और वो हिस्ट्री सेक्शन को दोबारा से ठीक करने के लिए कितना टाइम लगा था, 15 डेज, 25 डेज, 20 डेज, 1 मंथ।
एक महीना लगा था। और इसीलिए मार्गी जो है, जब उसका कंप्यूटर खराब होता बहुत खुश हो जाती है, वो सोचती है शायद उसके कंप्यूटर को ठीक करने में भी 1 महीना लगेगा और वो इस दौरान मजे करेंगे। लेकिन मार्गी का जो सेक्शन था जियोग्राफी का, वो कितनी देर में ठीक कर देता है उसका अकाउंट इंस्पेक्टर? 1 आवर में, वो 1 ही घंटे में ठीक कर देता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड मार्गी हेट स्कूल? मार्गी जो स्कूल से नफरत क्यों करते हैं? बिकॉज ऑफ मैकेनिकल वर्क, नो फन वॉज देयर, नो न्यू थिंग्स ऑल, इन सब के कारण। क्योंकि अब जो स्कूल है उसमें ना तो, एक तो मैकेनिकल वर्क है और कोई फन नहीं है, कोई नई चीज सीखने को नहीं मिलते, बस एक कंप्यूटर आगे पढ़ाता रहता है, इसीलिए उसमें मजा नहीं आता उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन ओल्ड स्कूल्स एंड मॉडर्न स्कूल्स? क्या डिफरेंस है? ओल्ड स्कूल हैड मेनी फ्रेंड्स एंड मॉडर्न स्कूल हैड नो फेलोज। हाँ ये भी है। ओल्ड स्कूल हैड ह्यूमन टीचर्स एंड मॉडर्न स्कूल्स हैव रोबोट्स। ये डिफरेंस भी है। ओल्ड स्कूल्स हैड प्लेग्राउंड्स एंड मॉडर्न स्कूल्स हैड ओनली कंप्यूटर्स। तो ये सारे ऑप्शंस हमारे ठीक हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिड मार्गी हैव फिक्स्ड आवर्स ऑफ स्टडी? नो, सी स्टडीड ऑफ एंड ऑन। यस, सी हैड फिक्स्ड टाइम एंड आवर्स डेली टू स्टडी एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। नन। तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। हाँ, उसका स्कूल भी नियमित लगता है लेकिन उसके घर में ही लगता है, और सैटरडे और संडे को उसकी छुट्टी होती है, और स्कूल नियमित लगता, फिक्स टाइम है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड मार्गी फाइंड द ओल्ड स्कूल्स इंटरेस्टिंग? मार्गी को पुराने स्कूल अच्छे क्यों लगते हैं? बिकॉज ऑफ द फन, बिकॉज ऑफ ह्यूमन टीचर्स, बिकॉज ऑफ मैनी फ्रेंड्स ऑल, इन सब के कारण। क्योंकि उसमें बहुत मजा भी आता था, सारे बच्चे इकट्ठे पढ़ते थे, उसे ह्यूमन टीचर पढ़ाते थे, ये भी अच्छी बात है। बिकॉज ऑफ मैनी फ्रेंड्स, और बहुत सारे उसके दोस्त भी बनते थे। तो ये सारी चीजों के कारण मार्गी जो है, जब कि बुक में पढ़ती है तो उसे पुराने स्कूल बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, इंटरेस्टिंग लगते हैं। विद होम इज द मैकेनिकल टीचर कॉन्ट्रास्टेड विद? इस चैप्टर में मैकेनिकल टीचर की तुलना किससे की गई है? विद अदर टीचर्स, विद ओल्ड टीचर्स, विद ह्यूमन टीचर्स, विद अदर रोबोट्स, विद ह्यूमन टीचर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द राइटर ऑफ द चैप्टर द फन दे हैड? इसाक एसिमोव, कैथरीन मैनफील्ड, एपीजे अब्दुल कलाम, केनेथ एंडरसन। तो इस चैप्टर के राइटर हैं हमारे इसाक एसिमोव। लेकिन ये जो कैथरीन मैनफील्ड है, इन्होंने भी आपके 9th क्लास के एक चैप्टर लिखा है। एपीजे अब्दुल कलाम भी आपकी है, केनेथ एंडरसन भी है। कैथरीन मैनफील्ड में लिखा चैप्टर लिखा है द लिटिल गर्ल, द लिटिल गर्ल। एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखा है माई चाइल्डहुड, और केनेथ एंडरसन ने लिखा द बॉन्ड ऑफ लव। ये आपके एमसीक्यूज थे इस चैप्टर के। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर पहली बार वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।